जब तक गेम के कैरेक्टर के अंदर हम खुद को फील करने नहीं लग जाते, तब तक गेम खेलने का असली मजा नहीं आता। ऐसी ही एक गेम है Into the Dead 2, जिसकी स्टोरी समरी आज मैं करने वाला हूँ। यहाँ मैंने साइड इवेंट स्टोरी को इंक्लूड नहीं किया है, इसके लिए मैं अलग वीडियोस बनाने वाला हूँ। सो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप कोई भी गेम की स्टोरी समरी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स की मदद से आप मुझे बता सकते हैं। तो Into the Dead 2 गेम की शुरुआत में हमें हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट जेम्स को ड्राइव करते हुए दिखाया जाता है, जो कि एक सोल्जर है और वो अपनी फैमिली के पास जा रहा होता है। तभी उस पर उसकी सिस्टर हेलेन का कॉल आता है। हेलेन जेम्स को न्यूज़ में बताए जाने वाले वायरस के बारे में बताती है, जो कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है। जेम्स कहता है कि वो जितना जल्दी हो सके घर आ जाएगा। तभी अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है। Truck's wrecked. I'm okay. I'll get to you. एक्सीडेंट की वजह से जेम्स को अपना ट्रक वहीं छोड़कर ज़ॉम्बी से बचते हुए पैदल ही अपना सफर करना पड़ता है। सेफ प्लेस पर पहुंचकर जेम्स हेलेन को कॉल करता है और कहता है कि वो ठीक है। जेम्स के घर से बहुत दूर होने की वजह से हेलेन उसे बचाने आना चाहती है, लेकिन जेम्स मना करता है और अपनी बेटी मैगी को उसके ग्रैंडफादर के घर ले जाने के लिए कहता है। जेम्स के कुछ वक्त तक सफ़र करने के बाद हेलेन जेम्स को कॉल करती है और वो दोनों सेफली उनके डैड के घर पहुंच चुके हैं इसके बारे में इन्फॉर्म करती है, और उसकी बात मैगी से करवाती है। जेम्स मैगी से कहता है कि उसे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी और तब तक वो अपनी आंट के साथ ही रहे। जेम्स ज़ॉम्बी को चेस करता रहता है। आफ्टर चेसिंग जेम्स और हेलेन कॉल पर बात करते हैं। हेलेन जेम्स से कहती है कि उसकी बात सच है, शहर की तरफ से बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ रहे हैं। अचानक हेलेन कहती है कि उनके डैड को ब्लीडिंग हो रही है। तभी उनका कनेक्शन टूट जाता है। जब फिर से उनका कनेक्शन बनता है तब जेम्स की हेलेन से ज़्यादा बात नहीं हो पाती, लेकिन वहाँ की आवाज़ें सुनकर ये ज़रूर पता चलता है कि वहाँ हालत कुछ ठीक नहीं है। James, are you there? They're getting through. I'm not sure we can hold out. I hope you're all... Dad! Helen! What's happening? Helen, please, just tell me what's happening. कुछ देर बाद जेम्स को पता चलता है कि हेलेन ने उसके डैड को गोली मार दी है। हेलेन रोते हुए जेम्स से कहती है कि उनके डैड चेंज हो गए थे और उन्होंने मैगी पर अटैक कर दिया था, इसलिए उसे मजबूर होकर ये सब करना पड़ा। हेलेन बहुत रोती है। जेम्स हेलेन को चीयर अप करता है और मैगी को संभालने के लिए कहता है। वो उन दोनों को अपस्टेयर्स ले जाकर डोर को लॉक करने के लिए कहता है। Hey boy. Hey, come here. It's okay. It's okay. Hey, where'd you come from, huh? Here we go, little fella. Ah, there you go. Come on. जब उनकी फिर से बात होती है, तब हेलेन उससे कहती है कि वो मैगी के साथ रूफटॉप से होकर उनकी कार तक पहुंच गए हैं, क्योंकि उनके घर में
ज़ॉम्बीज घुस चुके हैं और वो टाउन की ओर जाएंगे। थोड़ी देर बाद जेम्स को पता चलता है कि हेलन और मैगी की कार में फ्यूल ख़त्म हो गया है और अब वो रोड साइड से कार चुरा कर उसमें सफ़र कर रहे हैं। उसके बाद हेलन मैगी को लेकर एक मिलिट्री बेस पर जाती है और वो दोनों कुछ सोल्जर्स के कैंप को ज्वाइन करते हैं। हेलन कैंप इंचार्ज गार्सिया की बात जेम्स से करवाती है। गार्सिया जेम्स से कहती है कि वो लोग CDC कैंप की तरफ हेडली जा रहे हैं और वो लोग उसकी सिस्टर और डॉटर को भी साथ ले जा रहे हैं, और कहती है कि जेम्स के एक सोल्जर होने की वजह से वो ये बात समझ सकता है कि वो लोग उसके लिए रोक नहीं सकते। इसके बाद जेम्स की बात सीधी उसकी डॉटर से होती है। मैगी उससे कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो वहाँ कैंप में खाना पका रही है। जेम्स मैगी से कहता है कि वो उसके लिए एक डॉगी ला रहा है। सोल्जर्स कैंप में कुछ हलचल होती है और हमें पता चलता है कि मैगी इन्फेक्टेड हो चुकी है। Tell me what's happening! Maggie! Helen! Oh, God. She's been bitten. Someone! No! Get me a knife! No. Oh, God. Something! Maggie! No, she can't. My little girl. Shit! God damn it! इसके बाद बहुत बार कोशिश करने पर जेम्स की हेलन से बात होती है। हेलन कहती है कि मैगी ठीक है लेकिन उसने अपना एक हाथ खो दिया है। जेम्स बहुत लाचार है क्योंकि जब उसकी फैमिली को सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत है तब वो उनके साथ नहीं है। जेम्स अपने रास्ते में आने वाले ज़ॉम्बीज़ को मारता है और पूरी जान लगाकर आगे बढ़ता है। अब सोल्जर्स कैंप हेडली पहुंच चुके हैं लेकिन CDC कैंप के सोल्जर्स पहले ही उस जगह को छोड़ चुके हैं, इसलिए अब वो लोग एयरफील्ड की ओर जा रहे हैं। जेम्स ज़ॉम्बी को चेस करते हुए हेडली पहुंचता है और हेलन और मैगी एयरफील्ड पर पहुंचते हैं। इसके बाद एयरफील्ड पर रेस्क्यू टीम आती है लेकिन उनका प्लेन क्रैश कर जाता है जिसमें हेलन मैगी और गार्सिया सरवाइव कर जाते हैं लेकिन बाकी सोल्जर मर जाते हैं, जिसकी आवाज़ हम रेडियो पर सुन पाते हैं। Helen! Maggie and I are alive. And Garcia? But the others are... No! Helen! Fucking radio! अब हेलन, मैगी और गार्सिया एक चर्च के पास जाते हैं जहां उन्हें कुछ लोग मिलते हैं और वो उनके ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। हेलन को उस ग्रुप के लोगों पर शक होता है और वो उनकी जासूसी करती है। वहां उसे पता चलता है कि वो लोगों को जिंदा जलाने का काम कर रहे हैं और वो ये सब चर्च के पादरी बार्टन के कहने पर कर रहे हैं। जब जेम्स की बात हेलन से होती है तब हेलन कहती है कि वो छुपकर उन्हें सुन रही है लेकिन गार्सिया उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। अचानक वहाँ सिचुएशन बिगड़ती है, वहाँ सब लोग एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। जेम्स उनको वहाँ से निकलने को कहता है। हेलन मैगी को लेकर एक ओल्ड हाउस में छुप जाती है। जेम्स हेलन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन इस बार उसकी बात बार्टन से होती है। जेम्स गुस्से में उसे कहता है कि अगर उसने उसकी बेटी को हाथ भी लगाया तो वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। बार्टन कहता है कि फ़िलहाल तो वो ठीक है लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगे। Stop! Shit!
जेम्स रेडियो की मदद से इमरजेंसी असिस्टेंट्स को इसके बारे में बताता है और उनसे हेल्प मांगता है। जैसे तैसे जॉम्बी से सरवाइव करके जेम्स चर्च के पास पहुंचता है। जेम्स जैसे ही चर्च पहुंचता है, बार्टन हेलन और मैगी को लेकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद जेम्स उनका पीछा करता है और जेम्स उनका पीछा करते हुए एक ओल्ड हाउस पर पहुंचता है। उस घर में जेम्स बार्टन को स्पेल करते हुए देखता है और उसे गोली मारकर अपनी फैमिली को बचा लेता है। इसके बाद रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने आती है और इसी के साथ गेम का एंड होता है। Are you okay? We're alive. We're alive. Come on, let's get out of here. Come on. Move. रुकिए, वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको गेम की अल्टरनेट एंडिंग्स के बारे में बताना चाहता हूँ, जहाँ एक में हेलन और मैगी की डेथ हो जाती है और दूसरे में जेम्स मैगी को बचा लेता है और हेलन मर जाती है। मैंने बेस्ट वाली एंडिंग आपको दिखाई है, जो कि तभी मिलती है जब प्लेयर सभी अचीवमेंट्स को पार करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, और पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करके कमेंट में मुझे बताएं कि मुझे वीडियो में क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और जाने से पहले वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, बाय।